सुबह के बज रहे हैं 7 और हम सब आ चुके हैं गरीब स्थान और के मुजफ्फरपुर स्थित बाबा गरीब धाम का करीब 300 साल पुराना इतिहास रहा है। गर्भगृह के मुख्य द्वार पर नंदी बाबा विराजमान है। ये आप देखिए नंदी बाबा का, ये अभी देख रहे हैं ये बरगद का पेड़। ये हेलो गाइस, द एयर भारत 89 में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज सुबह के बज रहे हैं 7 और हम सब आ चुके हैं गरीब स्थान और आज हम सब गरीब स्थान जो कि मुजफ्फरपुर जिले में पड़ता है। मुजफ्फरपुर बिहार का एक ऐसा छोटा सा ज़िला, छोटा कहेंगे क्या, इसको सबसे बड़ा ज़िला कह सकते भी हैं, जो कि बिहार में सबसे बड़ा ये देव स्थल माना जाता है गरीब स्थान, जो कि मंदिर है और ये बहुत ही भव्य मंदिर है और बहुत ही देखिए दोस्तों, गरीब स्थान मंदिर में हम सब प्रवेश करने वाले हैं और आप सब इस वीडियो को कृपया करके लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, जल्दी कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। और ये देखिए मंदिर के बाहर का नज़ारा और हम सब अब चलने वाले हैं मंदिर के अंदर। और ये देखिए दोस्तों, आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, जो कि आज इतनी भीड़ चल रही है आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरी देखिए। अभी तो थोड़ी खाली हो गई है, किसी वर्षा हो रहा है तो इस वजह से थोड़ी खाली हो गए हैं, नहीं तो पूरी समय अभी तक पूरा भीड़ था। और इस वीडियो में दोस्तों बने रहिए और मैं इस वीडियो का लाइक कम से कम, ज़्यादा नहीं चाहता हूँ, मात्र 50 लाइक मेरे को चाहिए, तो कृपया करके आप सब 50 लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों इस वीडियो का मैं आपको कुछ हिस्ट्री भी बता दूंगा। चलिए हम सब अंदर अब प्रवेश करते हैं और मैं आपको दिखलाऊंगा, जो कि केला वेला भी देखिए, केला का भी पेड़ लेके आए हुए हैं। और देखिए दोस्तों, हम सब अंदर प्रवेश कर गए हैं और मेरे पीछे देख सकते हैं नीतीश, जो कि हम सब के साथ आए हुए हैं, मेरे भाई है। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, यही बट वृक्ष का पेड़ है। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित बाबा गरीब धाम का करीब 300 साल पुराना इतिहास रहा है। मान्यता यह है कि भगवान शिव अपने परिवार के साथ विराजते रहते थे। मंदिर प्रांगण में भगवान सूर्य, राधा कृष्ण एवं हनुमान जी की भी मंदिर है। यह भगवान सूर्यदेव और नंदी महाराज का भी मतलब मूर्ति है। गर्भगृह के मुख्य द्वार पर नंदी बाबा विराजमान है। ये आप देखिए नंदी बाबा का ये मूर्ति बनाया गया है, नंदी बाबा का सबसे गेट पे आगे बनाया गया नंदी बाबा का। इस मंदिर के बारे में यह कथा प्रचलित है कि पुराने गरीबनाथ का मंदिर वर्तमान में जहां ये अवस्थित है उसी ज़मीन पर मालिक के आर्थिक तंगी की वजह से अपनी ज़मीन किसी जमींदार के हाथ बेच दी। उसी ज़मीन के एक बरगद का पेड़ भी था, जो अभी देख रहे हैं ये बरगद का पेड़, ये बर का पेड़ भी था। सभी भी प्रांगण में मौजूद था। जमीन के नए मालिक ने कुछ मजदूरों को बुलाकर उस बरगद के पेड़ को कटवाना शुरू कर दिया किया। तभी बरगद के पेड़ से रक्त जैसा तरल रिसने लगा। जमींदार के आगे का काम बंद कर दिया गया। जमींदार देखा जो कि बरगद का ये पेड़ जो कि खून के तरह बहने लगा, इस वजह से पेड़ काटने मजदूर सबको बंद करवा दिया गया।
जमींदार के स्वयं में भोले मतलब सपने में जमींदार के सपने में भोले बाबा के दर्शन दिए गए, कहा कि मेरी स्थापना करवाओ, चूँकि मेरे खोज एक गरीब ने की है, जो कि पेड़ काटने वाले थे वो गरीब थे, तो इसी वजह से, और जिन्होंने ज़मीन बेचा वो भी एक गरीब थे, उनकी बेटी की शादी थी इस वजह से वो अपना ज़मीन बेचे, तो मजदूर द्वारा की गई इसलिए यह गरीब धाम। ये दोस्तों ये गरीबों द्वारा खोज किया गया था ये मंदिर, तो इसी वजह से इस गरीब मतलब इस मंदिर का नाम जो है गरीब स्थान मंदिर रखा गया, गरीबनाथ स्थान मंदिर पूरा मतलब रखा गया है, विराजमान हुए थे यहाँ पर, जो कि आप सब ने देखा ही। मान्यता यह है कि पहले ज़मीन बेचने वाले ज़मींदार बेहद गरीब था, मैंने बताया ही उनकी बेटी की विवाह के लिए घर कुछ भी नहीं था, मतलब पैसे कौड़ी नहीं थे, इस वजह से उन्होंने अपना बेचना उसने ज़मीन के बेचा, लेकिन बाबा के दर्शन के बाद सारे सपनों की आपूर्ति अपने आप हो गई। मतलब उस गरीब को आप ये देख सकते हैं जितने फ़ोटो, ये सब यहाँ के मतलब कांवड़ लेके कोई मतलब यहाँ का वो है मतलब पुजारी जो पूजा पंडित जी होते वो सब हैं, और कुछ वो सब मतलब जो कि मतलब यहाँ के संस्थापक सब हैं, और आप देख सकते हैं भगवान की मूर्ति। और ये अभी हम सब गए थे तो ये मंदिर दोस्तों बंद था, नहीं तो मैं कोई दिन और दूसरे दिन आप सब कमेंट ज़रूर कीजिएगा तो मैं दूसरे दिन आपको जाके मंदिर का पूरा वीडियो मैं आपको ज़रूर दिखलाऊंगा। चलिए इसका हिस्ट्री थोड़ा जान लीजिए। सबसे लोकप्रिय यह गरीब धाम प्रसिद्ध हो गई है। देखिए कितना लंबा गरीब स्थान मंदिर जो कि ऊंचा, मुजफ्फरपुर स्थित बाबा गरीब धाम वर्ष में आस्था और भावना केंद्र का मनोकामना लिंग के रूप में यह भक्तों के बीच विख्यात बाबा गरीब धाम गरीबनाथ की महिमा समय के साथ निरंतर बढ़ती जा रही है। मतलब ये देखिए सत्रानवान का पूजा भी यहाँ होता है, और आप देख सकते हैं पूरा, और ये मंदिर देखिए जो कि मंदिर बनाया गया है। और मैं आपको बता दूं जो कि सोनपुर से पहले मतलब सोनपुर पहलेजा घाट से, और यहाँ गरीब स्थान मंदिर जो है गरीबनाथ मंदिर जो है 70 किलोमीटर की दूरी पर, और ये देखिए ये मतलब यहाँ पर यज्ञ मतलब हवन होता हुआ, और ये इस साइड जब देखिएगा तो इस साइड मुंडन का बना हुआ है, आप देख सकते हैं वह लिखा है मुंडन स्थल, यहाँ मुंडन होता है, मतलब मुंडन भी करवा सकते हैं, तो आप सब जाके गरीबनाथ जाके मुंडन करवा सकते हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ से जो है 70 किलोमीटर मतलब जहाँ से जल आदमी सोनपुर पहलेजा घाट से 70 किलोमीटर की दूरी तय करती कांवड़ियों लाखों की संख्या में पवित्र गंगा जल के बाबा गरीबनाथ जल अभिषेक करते हैं। देवगढ़ जैसे तट पर बाबा गरीब धाम में भी डाक बम द्वारा गंगा जल, ये देखिए दोस्तों ये गंगा जल, ये भोला बाबा जो है जो कि नीचे भी हैं और ये ऊपर भी हैं, आप देख सकते हैं जो कि यहाँ दूध ऊपर से ढारा जाता है, चाहे गंगा जल ऊपर से ढारा जाता है। तो हम सब निकल गए अब, और चलिए दोस्तों, और मैं आपको इसका कुछ हिस्ट्री और बता देता हूँ, जो कि 12 घंटे बाबा जल अभिषेक करने के परंपरा रही है, बाबा की महिमा है ऐसा कि जल अभिषेक करने के लिए हर साल कांवड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। मुजफ्फरपुर का नज़दीकी हवाई अड्डा